नमस्कार, मैं हूं नेहा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 6 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिजली कंपनियों की मनमानी पर अब लगा लगाम। बिहार की यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगा बदलाव। 1 सितंबर से होगी टैलेंट सर्च टेस्ट एंड मैथमेटिकल साइंसेस परीक्षा। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मिलेगा FLN किट। रोहित शर्मा बोले, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 खबरों की ओर विस्तार से। सेंट्रल बैंक में निकली सुपरवाइजर की भर्ती। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। बोर्ड की तरफ से BC सुपरवाइजर के पद के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए हाल ही में आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त है। इस भर्ती के लिए 2 तरह के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी और दूसरा अन्य कैंडिडेट इसमें शामिल है। जो भी कैंडिडेट आवेदन करने के लिए योग्य हैं, वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बिजली कंपनियों की मनमानी पर अब लगा लगाम। पटना में बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को कनेक्शन देने में मनमानी या देरी की छूट नहीं देने का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत महानगरों में बिजली कनेक्शन 3 दिन और नगरपालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के भीतर प्रदान किया जाएगा। अगर कंपनियां निर्धारित समय सीमा के भीतर कनेक्शन नहीं देती तो उन्हें प्रतिदिन ₹1,000 का जुर्माना भरना होगा। आयोग ने इस पर आम लोगों और स्टेक होल्डर्स से 14 अगस्त तक आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके अलावा 21 अगस्त 2004 को जनसुनवाई का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं या कंपनियां अपनी राय रख सकेंगी। इस प्रक्रिया के बाद आयोग अंतिम निर्णय सुनाएगा। बिहार के यूनिवर्सिटी के सिलेबस में होगा बदलाव। बिहार के विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने पुराने पाठ्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें अपडेट करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो अगले 20 वर्षों में पढ़ाए जाने वाले विषयों की नई सूची तैयार करेगी। शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने पाठ्यक्रम की समीक्षा और उसमें बदलाव के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। इस समिति में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरके सिंह, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी और BN मंडल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा शामिल है। यह समिति पुरानी पाठ्यक्रम सामग्री की समीक्षा करेगी और ये तय करेगी कि कौन से विषय अब छात्रों के लिए अनुपयोगी हो गए हैं। शिक्षा विभाग ने संकेत दिया है कि पुराने और अप्रचलित विषयों की जगह पर नए और उभरते क्षेत्रों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। 13 जिलों के 319 बालू घाटों की नीलामी में तेजी लाने की योजना। अब सरकार ने बालू घाटों के बंदोबस्त में होने वाले अनावश्यक विलंब से बचने के लिए कड़ाई से निपटने की योजना बनाई है। खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक में 13 जिलों के बंदोबस्त का आकलन किया गया है, जिसमें ये बात सामने आई है कि बंदोबस्त का काम काफी धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए कमियों को दूर कर बंदोबस्त काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि CTE और CTO किस स्तर पर लंबित है, इस बारे में मुख्यालय के पास जानकारी रहने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों को अलग से निर्देश जारी किए जा सकेंगे। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी। सचिव ने 13 जिलों के करीब 319 घाटों की नीलामी में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इनमें सबसे ज्यादा 135 बालू घाट पटना जिले के अंतर्गत आते हैं। 1 सितंबर से होगी टैलेंट सर्च टेस्ट एंड मैथमेटिकल साइंसेस परीक्षा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कक्षा 6 से 12 के लिए टैलेंट सर्च टेस्ट एंड मैथमेटिकल साइंसेस की प्रतियोगिता परीक्षा 1 सितंबर को होगी। पहले यह परीक्षा 4 अगस्त को होनी थी। यह प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंक के होंगे, जिसमें कुल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें किसी प्रकार के गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाएंगे। प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में होंगे। इसमें चयनित विद्यार्थियों को पुरस्कृत एवं प्रशिक्षण किया जाएगा।
जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले विद्यार्थी एडमिट कार्ड परीक्षा समिति की वेबसाइट या बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट www.bmsbihar.org पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय ट्रेनों में सीटों के प्रकार और उनकी विशेषताएं समझें। क्या आप जानते हैं कि ट्रेनों की बोगियों में कितनी सीटें होती हैं और इनमें क्या अंतर होता है? भारतीय रेल में मुख्यतः तीन प्रकार की बोगियां होती हैं, एसी, स्लीपर और जनरल। प्रत्येक बोगी की सीटों की संख्या और व्यवस्था अलग अलग होती हैं। एसी बोगी यह सबसे सुविधाजनक क्लास है, जहां एक कोच में 18 से 24 सीटें होती हैं। इन सीटों को कंफर्टेबल बनाया गया है। सेकेंड एसी बोगी में 46 से 54 बर्थ होते हैं, जो दो स्तरों में बांटी जाती है, निचला बर्थ और ऊपरी बर्थ। प्रत्येक में प्राइवेसी के लिए पर्दे लगाए होते हैं। वही थर्ड एसी के कोच में 64 से 72 बर्थ होती हैं। यहाँ बर्थ तीन स्तरों में होती हैं, निचला, मध्यम और ऊपरी। यहाँ पर्दों के बजाय केवल छोटे विभाजन होते हैं। स्लीपर क्लास यह भारतीय रेल की सबसे लोकप्रिय क्लास है। स्लीपर क्लास कोच में 72 बर्थ होती हैं, जो तीन स्तर की होती हैं। जनरल बोगी यह अनारक्षित कोच होता है, जहां यात्री बिना आरक्षण के यात्रा कर सकते हैं। एक कोच में औसतन 90 से 100 सीटें होती हैं। चेयर कार कोच विशेषकर दिन की ट्रेनों के लिए चेयर कार कोच में 78 से 108 सीटें होती हैं। भारतीय रेल की बोगियों में सीटों की संख्या और व्यवस्था यात्रियों की सुविधा और यात्रा के प्रकार के अनुसार तय की जाती है। ककोलत जलप्रपात खुलने से पर्यटकों में खुशी की लहर। नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में स्थित ककोलत जलप्रपात इस सप्ताह सैलानियों की भीड़ से गुलजार रहा। ककोलत जलप्रपात पर सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुंचे, जिन्होंने जलप्रपात के ठंडे और ताजगी भरे जल में स्नान किया और उसकी निखारी हुई सुंदरता का आनंद लिया। बहुत दिनों बाद जलप्रपात के खुलने से पर्यटकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। पहले ककोलत जलप्रपात के बंद होने के कारण लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ता था, लेकिन अब खुल जाने से उनका उत्साह दोगुना हो गया है। अगर आप घूमने जाते हैं तो टिकट काउंटर पर 20 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। वही सुरक्षा के दृष्टिकोण से ककोलत जलप्रपात प्रत्येक बुधवार को बंद रहेगा और टिकट काउंटर सुबह 7 बजे से संध्या 4 बजे तक खुला रहेगा। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को मिलेगा FLN किट। शिक्षा विभाग के SES सिद्धार्थ ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को LEP या FLN किट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के निर्देश पर सभी सरकारी विद्यालय में कक्षा 1 से 3 और कक्षा 4 एवं 5 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को FLN किट उपलब्ध कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग के SES ने सरकारी बच्चों के बीच बैग समेत FLN किट का वितरण किया जा रहा है। इस किट में बॉक्स, पेन, रिफिल, पानी बोतल रहेंगे। वही शिक्षा विभाग के अनुसार ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जिन विद्यार्थियों का आधार नंबर के साथ विवरण अपलोड है, उन्हें ही किट उपलब्ध कराया जाएगा। किट वितरण की स्थिति को भी ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने किट की गुणवत्ता में कमी या शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1-4-4-1-7 जारी किया है। इसके अलावा 1-8-0-0-3-4-5-4-4-1-7 पर शिकायत किया जा सकता है। तेज तरार IPS अधिकारी काम्या मिश्रा ने दिया इस्तीफा। तेज तरार IPS अधिकारी और दरभंगा ग्रामीण की SP काम्या मिश्रा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। काम्या मिश्रा ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे की कॉपी उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर को भेजी है। काम्या मिश्रा लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हैं। वे मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं। वे महज 22 साल की उम्र में IPS अधिकारी बन गई थी। साल 2019 में उन्होंने इस परीक्षा में 172वीं रैंक हासिल की और इंडियन पुलिस सर्विस IPS के लिए उनका चयन हुआ। शुरुआत में उन्हें हिमाचल कैडर मिला था, लेकिन फिर उन्होंने अपना ट्रांसफर बिहार कैडर में ले लिया। बिहार में शिक्षकों की बल्ले बल्ले।
शिक्षा विभाग के पूर्व एसीएस के पाठक के फैसले को वर्तमान एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने पूरी तरह पलट दिया है। स्कूलों में जिन छुट्टियों को के पाठक ने रद्द कर दिया था, उन छुट्टियों को एस सिद्धार्थ ने फिर से बहाल कर दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। इसके मुताबिक राज्य के सामान्य उर्दू विद्यालय के प्रारंभिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में वर्ष 2020 से 2024 के लिए अवकाश तालिका निर्धारित किया गया है, जिसमें शिक्षा विभाग ने आंशिक रूप से संशोधन किया है। शिक्षा विभाग के आदेश के मुताबिक सावन के अंतिम दिन, रक्षाबंधन को एक दिन, हरतालिका व्रत यानी तीज को लेकर दो दिन, अनंत चतुर्दशी को एक दिन, जीतिया पर्व को लेकर एक दिन और गुरु नानक जयंती को भी छुट्टी घोषित की गई है। पितृपक्ष मेले को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय मेले की मान्यता। केंद्र की ओर से बिहार को अच्छी खबर मिलने वाली है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने इसका खुलासा किया है। दरअसल गया में इस वर्ष 17 सितंबर से विश्व पितृपक्ष मेला शुरू होने वाला है। यहाँ देश विदेश से लाखों की संख्या में हिंदू सनातन धर्मावलंबी आकर अपने पितरों का पिंडदान, कर्मकांड और तर्पण करते हैं। यह कारण है कि 15 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेला के दौरान 10 से 12 लाख तीर्थयात्री यहाँ पहुँचते हैं। अब जीतन राम मांझी ने कहा है कि इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया जा सकता है। बिहार में सिपाही भर्ती को लेकर एडवाइजरी जारी। बिहार में आगामी सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर एसएससी ने पेपर लीक की संभावनाओं को देखते हुए पूरी तैयारी कर ली है। दूसरी ओर आर्थिक अपराध इकाई ने अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। ईओयू की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित किसी भी अनजान कॉल या मैसेज से सतर्क रहना चाहिए। ईओयू ने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि अगर उन्हें किसी फर्जी कॉल या सोशल मीडिया पर पैसे की मांग करने वाले संदेश मिलते हैं तो वे तुरंत नज़दीकी थाना सूचित करें। इसके अतिरिक्त अफवाहों और फर्जी जानकारी को किसी भी ग्रुप में फॉरवर्ड करने से बचना चाहिए। साइबर अपराध की सूचना देने के लिए ईओयू ने एक विशेष संपर्क नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है। इसके अलावा एनसीआरपी के पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर भी सूचना दी जा सकती है। ओरिजिनल केबल्स का ही करें उपयोग, नहीं तो आपका स्मार्टफोन हो सकता है खराब। अक्सर हम जब नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तो उसमें ओरिजिनल चार्जिंग केबल भी मिलती है। यह केबल न केवल फोन को चार्ज करती है बल्कि डेटा ट्रांसफर करने में भी मदद करती है। लेकिन जब चार्जिंग केबल खराब हो जाती है तो लोग पैसा बचाने के लिए मार्केट में लोकल केबल खरीद लेते हैं। हालांकि इस तरह के विकल्प आपके स्मार्टफोन के लिए खतरे का संकेत हो सकते हैं। लोकल चार्जिंग केबल्स फोन को कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती है। अलग अलग स्मार्टफोन में अलग अलग चार्जिंग केबल्स का उपयोग होता है, जैसे टाइप सी, यूएसबी या माइक्रो यूएसबी। और एक डुप्लीकेट चार्जिंग केबल आपके फ़ोन की बैटरी और अन्य हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा सकती है। आप अपने फ़ोन के लिए हमेशा ओरिजिनल या प्रमाणित केबल्स का उपयोग करें। पटना गया डोभी एनएच निर्माण पर आज होगी सुनवाई। पटना हाईकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण के मामले में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में वकीलों की टीम ने कार्य निरीक्षण कर कोर्ट को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ द्वारा इस जनहित याचिका पर सुनवाई की जा रही है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इस राजमार्ग के निर्माण में आने वाली समस्याओं का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने के लिए अधिवक्ताओं की एक कमेटी गठित की थी। कोर्ट ने राज्य के विद्युत विभाग से ये जानना चाहा कि इस राजमार्ग के निर्माण में उत्पन्न कर रहे हाई टेंशन वायर हटाने के लिए क्या कार्रवाई हो रही है। इस मुद्दे पर आज राज्य का विद्युत विभाग स्थिति स्पष्ट करेगा। सीबीएसई करेगा इंडियन नेवी क्विज का आयोजन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यार्थियों के लिए एक नई और रोमांचक प्रतियोगिता की घोषणा की है। इंडियन नेवी क्विज 2024 या थिंक 24 नामक प्रतियोगिता का आयोजन कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए किया गया है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और विद्यार्थियों को 15 अगस्त तक अपने नाम दर्ज कराने का अवसर मिल रहा है। प्रतियोगिता का सेमीफाइनल राउंड 6 से 9 नवंबर तक केरल में आयोजित किया जाएगा, जहां 16 क्वालिफाइंग टीमों का चयन होगा। अगले 4 दिनों तक बिहार में बारिश का अलर्ट।
बीते दिन झमाझम बारिश से पटना का मौसम खुशनुमा रहा। पटना में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है, साथ ही वज्रपात को लेकर चेतावनी भी जारी किया गया है। वहीं प्रदेश में 9 अगस्त तक मानसून सक्रिय है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों से इस मौसम में सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। मौसम खराब होने पर लोगों से मौसम विभाग ने अपील की है कि खुले स्थानों पर नहीं रहें, किसी पक्के स्थान के अंदर रहें, पेड़ और बिजली के खंभे से दूरी बनाए रखें। पंजाब नेशनल बैंक से 21 लाख की लूट। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। यहां दिन दहाड़े अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक की एक शाखा में करीब 21 लाख रुपए की लूटपाट की है। सरेआम पीएनबी में हुई लूटपाट की घटना से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब की जाँच की जाएगी। राज्य के सरकारी विद्यालयों में स्थापित आईसीटी लैब की जांच होगी। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के कौशल विकास के लिए इनकी स्थापना हुई है। इनमें से अधिसंख्य के उपयोग में नहीं होने की सूचना है। शिक्षा विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निरीक्षण के निर्देश दिए हैं। जाँच में अगर कंप्यूटर खराब पाए जाते हैं तो संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया जाएगा और खराब कंप्यूटर को वापस किया जाएगा। इसके साथ ही एजेंसी के साथ किया गया अनुबंध भी रद्द किया जाएगा। सभी प्रधानाध्यापकों से भी कहा गया है कि वे संबंधित एजेंसी से संपर्क कर सभी कंप्यूटर सेट की जांच करवाएं। यदि आईसीटी लैब का उपयोग विद्यार्थियों के लिए नहीं किया जा रहा है तो प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और उचित कार्रवाई की जाएगी। 4 फॉर्मेट में होगा पटना क्रिकेट लीग का आयोजन। पटना जिला क्रिकेट संघ के नवनिर्वाचित कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पीडीसीए के उपाध्यक्ष रहबर आब्दीन ने की है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रहबर आब्दीन ने बताया कि अब क्लबों को लीग खोलने के लिए मैनुअल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अगले सीजन से लीग का फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकेगा। इसके अलावा पटना जिला क्रिकेट संघ अगले सीजन से क्रिकेट लीग के 4 फॉर्मेट का आयोजन करेगा। पुरुषों के लिए सुपर डिवीजन, ए डिवीजन और जूनियर डिवीजन क्रिकेट लीग आयोजित की जाएगी, जबकि महिलाओं के लिए एक विशेष क्रिकेट लीग का आयोजन होगा। उपाध्यक्ष रहबर आब्दीन ने यह भी कहा कि पटना जिला क्रिकेट संघ आगामी घरेलू सीजन की शुरुआत दुर्गा पूजा के बाद करेगा और इसके लिए सितंबर में नोटिफिकेशन जारी कर दिए जाएंगे। पप्पू यादव का अनोखा ऑफर। पूर्णिया लोकसभा के निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भ्रष्टाचार से परेशान आम लोगों को एक अनोखा ऑफर दिया है। पप्पू यादव ने आम लोगों से कहा है कि भ्रष्ट कर्मचारियों और पदाधिकारियों का घूस मांगने या लेने का वीडियो बनाकर उन्हें भेजने वाले को वे 25,000 रुपये का नगद इनाम देंगे। पप्पू यादव ने यह भी भरोसा दिलाया है कि वीडियो भेजने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी और वीडियो भेजने वालों को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर एनडीए में मचा घमासान। केंद्र की एनडीए सरकार में सहयोगी दलों के बीच आरक्षण के मुद्दे पर तकरार तेज हो गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असहमति जताते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है। वही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है। रोहित शर्मा बोले, कुछ भी हो जाए मैं नहीं बदलूंगा। भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में टीम की बल्लेबाजी एक बार फिर फेल रही। रोहित शर्मा ने इस मैच में अर्धशतक बनाया लेकिन अपनी पारी को बड़ी पारी में नहीं बदल सके। इसे लेकर रोहित से जब सवाल किया गया तो उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि वे इसी तरह से खेलते आए हैं और ऐसे ही खेलेंगे। रोहित ने पहले अर्धशतक बनाया था और फिर दूसरे मैच में भी उन्होंने शानदार पारी खेली। रोहित ने दूसरे मैच में
44 गेंदों पर 5 चौके और 4 छक्कों की मदद से 64 रन बनाए। जेफरी वेंडरसे की गेंद पर एक आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में वे अपना विकेट खो बैठे। रोहित ने कहा कि मैंने जो 65 रन बनाए वे इसलिए बनाए क्योंकि मैंने उस तरह से बल्लेबाजी की जिस तरह से मैं करता हूं। मैं जब बल्लेबाजी करता हूं तो रिस्क होता है, लेकिन मैं इससे डरता नहीं हूं। आप जब भी आउट होते हैं, चाहे 0 पर या 50 या 100 पर, आप निराश होते हैं, लेकिन इससे मेरी सोच नहीं बदलेगी। हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली इसलिए हम हारे। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज ही के दिन 2001 में भारत और ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक समझौता संपन्न हुआ। आज ही के दिन 2002 में भारत पाक में हुए तनाव में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया। आज ही के दिन 1915 में भारतीय राजनीतिज्ञ गुरदयाल सिंह ढिल्लों का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1933 में भारतीय क्रिकेटर एजी कृपाल सिंह का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1921 में भारतीय राजनीतिज्ञ के एम चांडी का जन्म हुआ था। जैकी श्रॉफ और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सुभाष घई ने दिया बड़ा बयान। अरबाज खान के चैट शो द इनविजिबल सीजन 2 में फिल्म मेकर सुभाष घई पहुंचे, जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया है। अरबाज खान के शो पर सुभाष घई ने जैकी श्रॉफ और शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर बड़ा बयान दिया। शो के ट्रेलर में सुभाष घई कहते नजर आते हैं कि एक्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है नॉन एक्टर और दूसरा होता है बैड एक्टर। जैसे ही जैकी श्रॉफ बैड एक्टर हैं, इस दौरान वे अनिल कपूर को बेहतरीन एक्टर बताते भी नजर आए। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा को सुभाष ओवर कॉन्फिडेंट एक्टर बताते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में बताते हुए सुभाष घई कहते हैं कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि वे कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचता था। एनटीए ने नीट यूजी परीक्षा के लिए उठाया बड़ा कदम। पेपर लीक रोकने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अब बड़ा फैसला लिया है। एनटीए अब कई बड़े बदलाव करने जा रहा है। एनटीए ने फैसला लिया है कि अगले साल यानी 2025 में नीट यूजी की परीक्षा सरकारी संस्थान में ही होगी। परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाएगा। इसके अलावा शिकायतों की जाँच और निपटाने के लिए अलग से पोर्टल विकसित किए जाएंगे। फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ने और नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी और पहचान प्रक्रिया के लिए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साइबर सुरक्षा की तैयारी होगी। परीक्षा केंद्र में व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए परीक्षा केंद्र के कर्मी और शिक्षकों की काउंसलिंग भी कराई जाएगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 31 जुलाई, ऑप्शन बी है 2 अगस्त, ऑप्शन सी है 1 अगस्त और ऑप्शन डी है 3 अगस्त। इसका सही उत्तर है 2 अगस्त। हाल ही में कौन ISS के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट चुने गए हैं? ऑप्शन ए है राधिका रमन, ऑप्शन बी है कौस्तुभ सिंह, ऑप्शन सी है सुभांशु शुक्ला, ऑप्शन डी है आरती सनमुखम। इसका सही उत्तर होगा शुभांशु शुक्ला। हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा किस शहर को विश्व शिल्प शहर का नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी है भोपाल। इसका सही उत्तर है श्रीनगर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय नहीं है? ऑप्शन ए है नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका सही उत्तर होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। बिहार में कौन सी भाषा ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है? ऑप्शन ए है मगधी, ऑप्शन बी संथाली, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी औधी। इसका सही उत्तर है औधी।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लेकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनका नाम है राजकिशोर महतो, परशुराम सिंह, मोतीलाल कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, राजीव कुमार, संजय कुमार सिन्हा, बबलू कुमार, साहिल यादव, गोनर शर्मा, शत्रुघ्न कुमार, रवि कुमार, सपना कुमारी, रंजीत मिश्रा, मोहम्मद साकिर हुसैन, बिरजू कुमार, राम बाबूदास, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। बिहार के जल प्रपातों का आनंद आपने उठाया है या नहीं? अगर उठाया है तो कमेंट में नाम और जगह जरूर लिखें। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।